वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कॉर्पोरेट रडार। वेल, अब हम बात करते हैं 2007 में शुरू हुई इन्फीबीम एवेन्यूज़ की। करीब 4,000 करोड़ रुपए की मार्केट कैप वाली ये कंपनी है। इन्फीबीम फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पर फोकस करती है, जो डिजिटल पेमेंट सॉल्यूशंस देने का काम करती है। नतीजों की बात कर लेते हैं। सालाना आधार पर आय 77% बढ़कर 650 करोड़ पर आई है। वहीं मुनाफा 34% बढ़कर करीब 40 करोड़ आया। हालांकि मार्जिन में गिरावट देखने को मिली। वेल, नतीजों में क्या थे अहम ट्रिगर्स और आगे किस तरीके का आउटलुक है, ये जानते हैं कंपनी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर विश्वास पटेल हमारे साथ शो में जुड़ रहे हैं। विश्वास, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया आपने हमें समय दिया। पहले तो रेवेन्यू में अच्छी ग्रोथ देखी गई इस क्वार्टर में, क्या फैक्टर्स थे रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस एंड क्या लग रहा है आउटलुक आगे, इसी तरीके की ग्रोथ मोमेंटम बनेगा सर? स्वाति जी, गुड आफ्टरनून। ओवरऑल ग्रोथ अच्छी थी। डिजिटल पेमेंट्स आप समझ रहे हो, मार्केट में जिस हिसाब से ग्रोथ है, अभी सिर्फ इंडिया में 22% लोग डिजिटल ट्रांजेक्शन कर रहे हैं, तो हेडविंड भी काफी बड़ा है आगे चल के डिजिटल पेमेंट्स का ग्रो करने के लिए। सो ओवरऑल कंपनी का देखें हम लोग ने, इस साल में टोटल रेवेन्यू 2000 करोड़ के ऊपर गया है, विच इज द हाईएस्ट एवर, एंड लास्ट ईयर के कंपेयर में 56% ईयर ऑन ईयर जो ग्रोथ है। इवन हमारा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 136 करोड़ गया खास सालाना, 63% ग्रोथ है उसमें, एबिटा भी। डिजिटल ट्रांजेक्शन की तरफ चले तो ऑलमोस्ट 8,200 मर्चेंट्स एवरी डे हम लोग ऑनबोर्ड कर रहे हैं, इतना ग्रोथ है मार्केट के अंदर। एंड जो लेंडिंग भी जो कर रहे हैं हमारे मर्चेंट्स को ऑन एक्सप्रेस सेटलमेंट, वो भी लास्ट ईयर हम लोग ने 2,000 करोड़ रुपए के ऊपर लेंडिंग भी किया है। तो ओवरऑल जीरो डेट कंपनी है, ओवरऑल शेयर होल्डर वैल्यू दे रहे हैं, डिविडेंड भी डिक्लेयर किया हुआ है थर्ड ईयर इन अ रो रनिंग एट 5%। तो ओवरऑल जो सेक्टर में है हम लोग डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म, वो ओवरऑल ग्रोथ की तरफ काफी है, काफी अच्छा आगे प्रोस्पेक्ट आपने बताया दिख रहा है, ग्रोथ ओवरऑल दिख रही है, ट्रेंड्स कंटिन्यू होंगे, दैट्स द मेन पॉइंट यू आर मेकिंग। सर, मार्जिन्स मैं देख रही हूँ वहां पर जो डिक्लाइन आया, उसका क्या कारण रहा और आगे मार्जिन्स को कैसे बेहतर करें, उसको कैसे इम्प्रूव करेंगे, उस पर कैसे कंपनी काम करेगी? सो मार्जिन्स भी ओवरऑल आप देखें जो हमारे पेमेंट्स में जो पेंडेमिक के वक्त था 0.65 से लेके 0.74, अभी मार्जिन्स इस क्वार्टर के अंदर अराउंड 0.9 बिप्स के ऊपर आया हुआ है। सो मार्जिन्स कंटिन्यूसली इम्प्रूव हो रहे हैं। पेंडेमिक के वक्त जो मेन ट्रेवल सेक्टर था, एंटरटेनमेंट, डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग, ये सब एकदम डाउन हो गए थे, पर अभी लास्ट क्वार्टर से देखा गया आप लास्ट ईयर से, सो ये सब चीज एकदम एग्रेसिवली आई है, ट्रेवल, एंटरटेनमेंट, हॉस्पिटैलिटी, तो ये सब सेक्टर्स में हम लोग का काफी बड़ा रोल है एंड वो काफी एग्रेसिव, इसलिए मार्जिन हमारे बड़े हैं, 0.9 बिप्स के ऊपर गए हैं। एंड ओवरऑल एज जैसा चलते जाएगा तो नेक्स्ट ईयर हम डबल डिजिट बिप्स के अंदर भी हमारा मार्जिन उस तरफ दिख रहा है हमको, जो फर्स्ट क्वार्टर में भी है। ओके, श्योर। सो ये कारण है मार्जिन, अगर आगे ट्रेजेक्ट्री क्या दिख रही है। बट सर, प्रेजेंटेशन में आपने ये भी मेंशन किया है अबाउट अ शॉर्ट टू मीडियम टर्म की फोकस एरिया, जहाँ पर आप इंटरनेशनल एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं, थोड़ा सा समझाएंगे एग्जैक्टली क्या प्लान्स हैं इंटरनेशनल मार्केट्स को लेकर और उससे क्या रेवेन्यू पोटेंशियल आप एक्सपेक्ट करते हैं, डिटेल में थोड़ा समझाएं इंटरनेशनल मार्केट्स। सो स्वाति जी, इंटरनेशनल ऑलरेडी अगर आप देखें, इंडिया का पेमेंट सिस्टम वर्ल्ड का बेस्ट है। इवन गूगल का सीईओ यूएस सेनेट को बोल रहा है कि इंडिया की तरफ देखो किस हिसाब से पेमेंट सिस्टम्स, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम्स होना चाहिए, और अपने प्राइम मिनिस्टर से लेकर सब जो इंडिया स्टैक और यूपीआई और सब नंबर्स हर फोरम पे बोलते हैं, सो वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। सो यही टेक्नोलॉजीज हम लोग ने यहाँ पे डेवलप की है, प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट, यही हम अभी इंटरनेशनल मार्केट में लेके जा रहे हैं। यूएई में ऑलरेडी हम नंबर 2 नंबर 1 प्लेयर बन रहे हैं वहाँ पे इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ इयर्स ओनली। तो आप यहाँ से अगर एमिरेट्स एयरलाइन में जाओ तो सीसी एवेन्यू होगा हमारा जो पेमेंट गेटवे, आप जो भी बड़े वहाँ पे प्रॉपर्टीज है जिसका मेंटेनेंस भरना है, अगर MR, DMAT, नखिल, इवन आपको वर्ल्ड की टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा के भी ऊपर टॉप पे व्यू लेने जाना रहेगा तो आप सीसी एवेन्यू से पेमेंट करेंगे। तो जो अपना टेक्नोलॉजी है, इंडिया का जो पेमेंट सिस्टम जो बनाया हुआ है हम लोग ने, वो काफी एडवांस है फॉर ऑल दीज मार्केट्स। सो यूएई में तो हम ऑलरेडी अच्छा 8 से 10 बिलियन AED का प्रोसेसिंग कर रहे हैं, पर अभी हम लोग उसकी तरफ भी सऊदी में लॉन्च कर रहे हैं, ओमान में हमारे टॉप 2 बैंक्स भी हमारा टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं,
और ऑस्ट्रेलिया में भी हम लॉन्च कर रहे हैं, और इंटरनेशनल मार्केट में भी ग्रोथ हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर और टू में कि 25% हम लोग का वॉल्यूम इंटरनेशनल मार्केट से आवे, और वहाँ पे मार्जिन ऑलरेडी अच्छे हैं, लाइक ऑलमोस्ट 15 से 18 बिप्स है हमारे मार्जिन वहाँ पे जो इंटरनेशनल मार्केट्स में जो हमको मिलते हैं बेटर देन इंडिया। अभी कितना कंट्रीब्यूशन है सर, जो आप कह रहे हैं इसमें आप बढ़ा रहे हैं कंट्रीब्यूशन, वो बढ़ के कितनी हो जाएगी और इस वक्त कितनी है? अराउंड 8 से 10% अभी हमारा है मार्जिन ओवरऑल इंटरनेशनल मार्केट से जो वॉल्यूम, बढ़ के हम लोग 25% तक लेके जाएंगे हमारा ओवरऑल बिजनेस वॉल्यूम से। ओके, 8 से 10 से सीधा 25% तक, और यहाँ मार्जिन भी अच्छे हैं, तो ये एक अच्छा संकेत है। आपने ये भी कहा है कि यू आर आइंग 1 मिलियन मर्चेंट्स बाई FY24, आप ऑफलाइन प्रेजेंस भी बढ़ा रहे हैं थ्रू सीसी एवेन्यू, टैप पे, इसके बारे में क्या डिटेल्स दे सकते हैं आप हमें, किस तरीके की सक्सेस आपको अभी तक इस पे मिली है सिंस यू लॉन्च्ड इट लास्ट ईयर? स्वाति जी, एक करेक्शन खाली, आपने हमारा ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म्स एंड पेमेंट्स बिजनेस के ऊपर 9.2 मिलियन मर्चेंट्स है ऑलरेडी, मतलब 92 लाख मर्चेंट्स ऑलरेडी हमारे प्लेटफॉर्म्स पे कर रहे हैं। टैप पे ऐसा चीज है, एक रेवोल्यूशनरी है, ये जो हम लोग ने कंपनी खरीदी थी लास्ट ईयर, जो हम लोग अभी मार्केट में लॉन्च कर रहे हैं। अगर अभी आप देखे होगे कि जो ऑफलाइन मार्केट में आप अभी जाते हो तो इधर एक प्लेन QR कोड होता है या वो बड़ा मशीन होता है जिसके अंदर बैटरी होता है, उनको पेपर सप्लाई करना होता है प्रिंट करने के लिए, और वो मशीन महंगा होता है 10 से 12 हज़ार रुपए का। तो ये मशीन जब डिप्लॉय करना होता है सपोज एक छोटे रस्ते पे फुटकार्ट के ऊपर, तो वायबल नहीं होता है। हम लोग जो नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजी लाई है कि इवन इन अ Tier 4 कोई छोटे से विलेज मणिपुर में होवे या आसाम में होवे, वो किराना शॉप खाली वो गांव के अंदर भी जस्ट लाइक अपने एंड्रॉइड फोन के ऊपर वो यूट्यूब डाउनलोड कर लेता है, वैसे हमारी सीसी एवेन्यू ऐप डाउनलोड कर सकता है, और वो ऐप के थ्रू ही अपने ही फोन के ऊपर टैप करके वो क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, QR कोड, अपना UPI सब एक्सेप्ट कर सकता है। सब पेमेंट ऑप्शंस मिलेंगे सब मर्चेंट्स को एक्सेप्ट करने के लिए। ये एकदम रेवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है जिसमें वो पॉस टर्मिनल का खर्चा पूरा निकल जाता है, जस्ट ऐप डाउनलोड करो, ऑनलाइन ऑनबोर्डिंग एंड कहीं पे भी करो। तो ये जो हम लोग ने लॉन्च किए लास्ट कपल ऑफ मंथ में, ऑलरेडी 1.5 लाख के ऊपर मर्चेंट्स ऑलरेडी इंडिया में यूज कर रहे हैं, एंड वी एक्सपेक्ट मास स्केल अडॉप्शन। काफी हमारा अभी फोकस इस साल वो टैप पे, सीसी एवेन्यू जो हमारा ओमनी चैनल ऐप पे टैप पे है उसको मार्केटिंग में हम लोग फोकस करेंगे। वंडरफुल, सो ये काफी टेक्नोलॉजी जो आप यूज कर रहे हैं वो काफी बेनिफिशियल प्रूव हो रही है, और काफी अच्छा रिसेप्शन आपको अब तक मिला है इसका, जैसा आप बता रहे हैं। सर, FY23 में 91% ऑफ योर रेवेन्यू आपका पेमेंट बिजनेस से था और बाकी फ्रॉम प्लेटफॉर्म बिजनेस। अब किस तरीके का प्लान आप कर रहे हैं सो दैट योर डिपेंडेंसी ऑन पेमेंट बिजनेस कम हो जाए, या उसका रेशियो क्या रहेगा एग्जैक्टली? तो स्वाति, आप स्ट्रेटेजी समझे ना, तो हम लोग है प्लेटफॉर्म्स, पेमेंट्स एंड फाइनेंस में, राइट? प्लेटफॉर्म्स एंड पेमेंट्स आर, आप पुराना हिस्ट्री देखिए, राइट? ईबे और पेपैल, राकाटून पेमेंट्स चाइना में, अलीबाबा, अली पे। सो प्लेटफॉर्म एंड पेमेंट्स जो साथ में बन जाते हैं ना, तो उसे स्टिकनेस मिलती है, एनहांस मार्जिन मिलती है, और ये बनती है। हमारे प्लेटफॉर्म जी काफी अच्छा कर रहे हैं। अगर आपने जेम प्लेटफॉर्म जो देखा था, गवर्नमेंट का ही मार्केट प्लेस, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने भी ट्वीट किया है, लास्ट ईयर 2 लाख करोड़ के ऊपर का जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोक्योरमेंट है वो जेम प्लेटफॉर्म, जो हम लोग उसका टेक्नोलॉजी अक्का मेंटेन करते हैं, उनके थ्रू गया हुआ है, राइट? सो प्लेटफॉर्म बिजनेस भी ग्रो हो रहा है, जियो मार्ट प्लेटफॉर्म है, इंटरनेशनली भी काफी बड़े बड़े क्लाइंट्स है लाइक जम्बो इन द मिडिल ईस्ट, सऊदी टेलीकॉम एंड अदर थिंग्स। सो प्लेटफॉर्म विद पेमेंट्स दोनों हम लेके जा रहे हैं, दोनों इंटरकनेक्टेड एंड दोनों टुगेदर इतना स्टिकनेस लाते हैं, इतना एनहांस मार्जिन लाते हैं, सो वो दोनों एक दूसरे का ग्रोथ काफी अच्छा लेके जा रहे हैं। ओके, फेयर एनाफ, तो इंटरेस्टिंग है यहाँ पर बिजनेस भी, और स्ट्रेटजी आप आगे जिस तरह से बढ़ रहे हैं काफी प्रॉमिसिंग अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए सर, और किस तरीके के नंबर्स रहे, मोर इम्पोर्टेंटली आउटलुक क्या है कंपनी का ये बताने के लिए।